फ्रेंड्स, आज हम आपको ढोकला कैसे बनता है वो बताएंगे। ये जो ढोकला है हमारा बाजार से बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। इसकी पहले जो जो इसमें चीज़ें डालनी है बता देते हैं। ये है बेसन है एक बड़ी प्याली, ये है सूजी है छोटी प्याली, ये दही है अबाउट 200 ग्राम, ये मटर हैं, ये है बीन्स और ये है चिकंदर कटा हुआ और ये है इनू। तो दोस्तों, जो बाज़ार से आपको मिलता है उसको ये वेजिटेबल्स आपको नहीं मिलेंगी। हम हेल्दी जो है ढोकला बनाने के लिए और एक नई किस्म का जो है स्वादिष्ट बनाने की ये सभी चीज़ें नहीं हैं। सबसे पहले जो इसका प्रोसेस है हम बताते हैं क्या करना है। ये हमने बेसन डाल दिया एक बड़े बर्तन में, ये सूजी डाल दी और ये हमने डाल दिया नमक और इसमें काली मिर्च भी है। ये इनो डाल दी हमने दो छोटे पैक छा से, ये इनो डाल दी। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह मैश हो जाए, मिक्स हो जाए। हाँ, मिक्स करने के बाद हमने ये बीन्स डाल दी और ये चिकंदर के पीस जो है ये डाल दिए और ये हरे मटर ये हमने डाल दिए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। आप देखते जाओ, आप भी ऐसे बना सकते हो। और ये हमने अभी फाइनल इसमें जो है दही थोड़ा डाला है, थोड़ा उसके बाद में बताएंगे कैसे डालना है। तो ये हमने बाकी जो बचा दही है उसको भी डाल दिया। तो इसको अच्छी तरह हम मैश कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। अभी हमें सन्ना लग रहा था, गाढ़ा लग रहा था, तो हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया। और आप चाहें तो दही के जगह इसको पानी को भी डाल सकते हैं। ये देखो मिक्स हो रहा है। बिल्कुल मिक्स हो गया है, तो इसको जो अच्छी तरह ये बिल्कुल मैश हो गया, मिक्स हो गया, बनने के लिए तैयार है। अब आपको बताते हैं। ये हमने दूसरा डब्बा लिया, इसमें हमने थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया और इसको अच्छी तरह साइडों में सभी जगह लगा रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये जो है ढोकला इसके साथ है, जमेगा नहीं, लगेगा नहीं। तो ये हमने ये डाल दिया इसमें सारा जो मटीरियल बना था, ऐसे अच्छी तरह मैश कर लो। और ये थोड़ा सा जो बेसन है फूल भी गया। तो ये हम इसको माइक्रो ओवन में रखेंगे पकाने के लिए, 7 से 8 मिनट में पक जाएगा। तो माइक्रोवेव से रखने से पहले हम इसको ये ढक्कन उसके दे देंगे, इसमें थोड़े से छेद हैं ताकि इसकी हवा बाहर निकलती रहे। तो दोस्तों, ऐसे इसको उस पर फिट कर देते हैं। और ये हमने माइक्रो ओवन खोला और उसके बीच रख दिया। और अब 8 मिनट बाद देखते हैं, 7-8 मिनट में तैयार हो रहा है। उतनी देर हम इसकी सास जो है घर में जो है होममेड उसकी तैयारी कर लेते हैं, उसको कैसे बनाएं। तो दोस्तों, ये हम सॉस तैयार कर रहे हैं। तो ये हमने अपने गार्डन से ये रेड और जो है ग्रीन तिल्ली तोड़ी है, ये कड़ी पत्ता है, ये है राई, और ये जो है हम जो रेडीमेड सॉस है इसको भी मिक्स करेंगे। और ये है रिफाइंड। तो ये है चीनी और नमक, ये क्रश करके रखे हैं। तो ये है पानी, ये चीज़ें जो हम इसके साथ बनाएंगे जो बहुत हेल्दी होगा। और बाज़ार से जो है हमें मिलता है उसका तो कोई पता नहीं, लेकिन इतना हेल्दी और ऑर्गेनिक बनाएंगे। इसमें हमारी किचन गार्डनिंग का सामान और जो कुछ किचन का सामान और बाज़ार से लाए हैं सारे मिक्स करके हम एक बहुत ही हेल्दी टेस्टी जो है ये व्यंजन हम बना रहे हैं। रिफाइन डाला, उसमें राई डाल दी और ये कड़ी पत्ता जो है वो डाल दिया, ये इसको थोड़ा सा इसको डाल दिया उसके बीच। और ये हमने इसमें एक कप पानी डाल दिया, ये इसको अच्छी तरह मिक्स करना है।
नहीं तो जल जाएगी और स्वाद नहीं आएगा। स्टोव जो है इसको मट्ठा कर दिया, अभी जो हमने शुगर और जो साल्ट मिलाया था उसको डाल दिया इसमें, और ये जो हमने साबुत जो है जो रेड और ग्रीन चिल्ली है इसमें हमने डाल दी, थोड़ा सा पानी और डाल रहे हैं, हमें थोड़ा सेंकना लग रहा था। ये थोड़ा बॉईल करके एक आधे मिनट में ये हमारी बिल्कुल तैयार हो रही है, बॉईल होगी तो ये सॉस हमारी जो है बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों ये हमने माइक्रो ओवन से निकाला है इसको, और ये जो है ये बिल्कुल देखो बिल्कुल फिट बिल्कुल अच्छा तैयार हो गया, कलर कितना सुंदर है। और इसको अब ये जो हमने सॉस बनाया है ऑर्गेनिक सॉस इसके बीच डालेंगे, और इसको फिर एक मिनट के लिए दोबारा ओवन में रखेंगे ताकि वो इसमें सारा मिक्स हो जाए अच्छी तरह, इसमें रच जाए और ये अच्छा फ्लेवर अच्छा टेस्ट दे। ये हमने डाल दिया और देखो कितना अच्छा इसका लग रहा है दोस्तों। ये देखो एक मिनट के बाद हमने जो सॉस डाल के बीच रखा था ओवन निकाल बाहर निकाला है, कितना अच्छा जिसका कलर है। और मुझे नहीं लगता आपने बाज़ार में इतने अच्छे कलर का कभी खाया हो, और ये बहुत ही सुंदर है। हम एक निकाल के देखते हैं, ये गारंटी है कि बहुत अच्छा इसका टेस्ट बना होगा, तो हम एक इसको टेस्ट करते हैं निकाल के। तो दोस्तों हमने ये निकाल लिया, इसका भी मैं टेस्ट देखता हूँ टेस्ट कैसे। दोस्तों इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, और जो हमने अपने किचन गार्डन की इसके वेजिटेबल डाली थी चुकंदर डाला था उसने इसके जो है टेस्ट पे चार चंद लगा दिए फ्लेवर। ये देखो कितना जहाँ जहाँ चिकन अपना ये है चुकंदर वहाँ कैसे इसका खूबसूरत कलर छोड़े हैं, और ये बहुत ही अच्छा है, खुद खाओ बच्चों को खिलाओ ऑर्गेनिक, और ये बहुत ही टेस्टी है। तो दोस्तों भी बेनती है अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करो कमेंट्स करो और शेयर करो, और जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि उसको अच्छी मेरी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।